अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी गोश्त का सालन और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसका टेस्ट भी बहुत सिमिलर होता है मटन पाए जैसा। और प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैं देखती मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून ऑयल। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको मैं भून लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पाव गोश्त। मटन मेरे पास इतना ही पड़ा हुआ था तो मैं इसी से काम चला रही हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब में ज़्यादा डाल सकते हैं। गोश्त को भी मैं अच्छे से भून लूँगी कुछ मिनट्स के लिए। गोश्त भुन जाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने लिया था ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत काली मिर्ची 1 टीस्पून, 2 छोटी और बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दूँगी 2 कप पानी। पानी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज मैंने 3 मीडियम साइज़ की ली थी। 2 से 3 टमाटर जाएंगे बिना छिलके के और 1 हरी मिर्च कटी हुई। अब मैं इसमें नमक डालूंगी हसबे जायका और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे रख दूंगी जब तक कि गोश्त अच्छे से गल जाए। बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा, अगर पानी की ज़रूरत हो तो आप पानी डाल दीजिएगा। गोश्त गल गया है। अब गोश्त गलने के बाद यहाँ पे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ ताकि सारा मसाला यकजा हो जाए। भुनाई के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। एक कप पानी, और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी। मेथी डालने के बाद अब मैं इसको 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि तेल ऊपर आ जाए। और इस सालन की कंसिस्टेंसी आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप पतला शोरबा रखना चाहते हैं तो भले इसको पतला ही रखें। 15 मिनट बाद अब ये बिल्कुल तैयार है तो मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।